7.4 हाइड्रोग्राम। उसमें यूनिट हेड होगा, सो स्टेप्स टू डिराइव डीआर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके डीआरस 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि डीआरस हाइड्रोग्राफ यानी क्या होता करके, यानी 2 घंटे के लिए भी बोल सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी बोल सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी बोल सकते हैं। सो दैट इज डीआरस हाइड्रोग्राफ। तो वो मुझे स्टेप्स देखना है। सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट सेलेक्ट अ फ्लड हाइड्रोग्राफ। सेलेक्ट ए फ्लड हाइड्रोग्राफ फ्लड हाइड्रोग्राफ सेलेक्ट ए फ्लड हाइड्रोग्राफ टू गिवन फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ गिवन गिवन ए डी आरस DRs duration cause by a rainfall axis of R centimeters. रेनफॉल एक्सिस ऑफ आर सेंटीमीटर्स। सी हियर गाइस, दैट इज डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। और डी आर नॉट अ डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ, दैट इज बेस फ्लो एंड दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ। तो ये टाइम इन आर डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके सेकंड स्टेप, इसको बेस फ्लो को सेपरेट कर दो, क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। सेपरेट द बेस फ्लो from the above flood hydrograph FH, flood hydrograph से निकाल लो, which will be resulting direct runoff hydrograph। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ओके वो कैसे दिखेगा? जस्ट लाइक दिस। हियर इज अगेन डी आर ड्यूरेशन। ओके इस तरह दिखेगा। क्यूब हियर इज टी इन आर्स। ओके डीआर
तो ये हो गया डायरेक्ट रन। तो क्या हो गया डी आर एच डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको रन ऑफ से डिवाइड कर दो, जो भी है रन ऑफ से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके बाद में मैं क्या बोलूंगा, थर्ड थर्ड स्टेप डिराइव सॉरी डिटरमाइन द एरिया ऑफ डी आर एच विच विच विल रिजल्ट इन रन ऑफ वॉल्यूम। रिजल्ट इन रन ऑफ वॉल्यूम। वन मिनट गाइस, बहुत आवाज कर रहा है एक्चुअली। वन मिनट। भी कर ही रहा है। ठीक है अभी बंद हो गया। कब बंद होता था? 1 मिनट। ओके ठीक है, देखो डिटरमाइन एरिया ऑफ डी आर एच विच विल बी रिजल्ट इन रन ऑफ वॉल्यूम। ओके विच विल बी रिजल्टिंग रन ऑफ वॉल्यूम। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज इक्वल्स टू रन ऑफ वॉल्यूम। ओके इज इक्वल टू रन ऑफ वॉल्यूम। सो गाइस फोर्थ स्टेप रन ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कैचमेंट एरिया बाय कैचमेंट एरिया रिजल्ट डेप्थ आर इट इज इक्वल टू रन ऑफ वॉल्यूम बाय कैचमेंट एरिया। ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आप डायरेक्टली ऑर्डिनेट्स भी ये कर सकते हैं, यानी ये आपका रन ऑफ हो गया। ओके आर हो गया, इसलिए पहले आर निकालना पड़ता, फिर आर निकल जाने के बाद जो भी इसके ऑर्डिनेट्स है ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तो हम आर से डिवाइड कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ओके
ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जो भी ऑर्डिनेट्स है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कन्वर्टेड टू, UH by dividing R of direct run of hydrograph ordinate. Okay. So OUH is equals to O D R H divided by R into one. One what? 1 centimeter. अब बोलेंगे वाई 1 सेंटीमीटर इज गिवन, अरे डिवाइड कर रहे तो इनटू भी करना पड़ेगा क्योंकि ओ एच डिवाइड बाय 1 है, डायरेक्ट रन ऑफ डिवाइड बाय आर है, तो ये इधर ऊपर 1 हो जाता, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है. ओके, सो ओ एच डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अपना ऑर्डिनेट ऑफ यू एच यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ है और डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के लिए आर का रन ऑफ है, तो वो वैसे ही रखा मैंने, इसको 1 में इधर लेके गया, तो ऑर्डिनेट ऑफ मुझे काहे के मिले, यूएच के मुझे ऑर्डिनेट मिल जाएंगे. ये क्यों निकाला आपने, ये क्यों निकाल रहे, आर निकालने के लिए, अगर आर देखे नहीं है तो, अगर आर देखे है सो दैट्स दैट्स टू स्टेप्स आर डिलीटेड, यानी 2 स्टेप्स की जरूरत नहीं है आपको. ओके ओके गाइस, सो टेक वन एग्जांपल, तो अपने को इजीली पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है करके. सो एग्जाम्पल गाइस, समझ गया ना ये, दीज आर द स्टेप्स, इसमें कोई डाउट? राहुल, दीप्ति, नो सर। ओके, क्वेश्चन लिखो. द ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ, द ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ, द ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ The ordinate of flood hydrograph ordinate of flood hydrograph due to 4 hour rainfall, due to 4 hour rainfall, the ordinate of flood hydrograph due to 4 hour rainfall, due to 4 hour rainfall, due to 4 hour rainfall at 6 hour time, at 6 hours time, at 6 hours time interval, at 6 hour time interval, starting at zero, starting at zero, that starting sorry starting from time t is equals to 0, starting from time t is equals to 0 likho, starting from time t is equals to 0, starting from time t is equals to 0 r 0, then wo samne chalte jayega r r 10 22 already is barabar likho, 10 22 10 comma 22, ओके, थर्ड वाला बता रहा मैं, देखो पहला है 10, दूसरा है 22, तीसरा है 34, फोर्थ है 28, फिफ्थ है 16, 16, ओके, 16, सिक्स्थ है 12, एंड लास्ट वन सेवेंथ दैट इज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज दिस, दिस आर द ऑर्डिनेट्स 0 6 सहा, सहाचा इंटरवल ला 36 पर्यंत येणार, 0 ला काय आहे तुमचा 10 आहे, 6 ला काय आहे तुमचा 22 आहे, तर 7 आहे टोटल, 0 पासून चालू होत आहे म्हणजे 36 पर्यंत येईल, म्हणजे 36 आवर्स पर्यंत येईल. ओके, देखेंगे आपण बोर्ड पे, अज्यूम
कैचमेंट एरिया, एज्यूम द कैचमेंट एरिया टू बी 67 किलोमीटर स्क्वायर, एज्यूम द कैचमेंट एरिया 67 किलोमीटर स्क्वायर, कैचमेंट एरिया इज गिवन 67 किलोमीटर स्क्वायर। क्यों देखिए कैचमेंट एरिया? बिकॉज ऑफ दिस रन ऑफ, रन ऑफ निकालना पड़ेगा मुझे इसलिए, क्योंकि ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट देखिए क्या, नहीं, फ्लड हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स दिस आर गिवन। ओके, द कॉन्स्टेंट बेस फ्लो, अगेन देखो कॉन्स्टेंट बेस फ्लो इज गिवन, अगेन कॉन्स्टेंट बेस फ्लो ऑफ 10 m³/s, कॉन्स्टेंट बेस फ्लो ऑफ 10 m³/s, डिराइव द पीक ऑर्डिनेट, डिराइव द पीक ऑर्डिनेट, आपको डिराइव करना है पीक ऑर्डिनेट ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, डिराइव द पीक ऑर्डिनेट ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ऑल्सो डिटरमाइन, ऑल्सो डिटरमाइन द टाइम बेस ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, द टाइम बेस टी बी, टाइम बेस है ना क्या, टी बी ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, टीबी भी निकालना है, टाइम बेस टीबी। अब बोलेंगे सर टीबी क्या है, टीबी लास्ट लेक्चर में हमने देखा है गाइस, बोलेंगे सब लास्ट लेक्चर में देखा है तो अभी क्या कर रहे हैं, कूल डाउन, अभी फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। ओके, गुस्सा आता है ना कभी कभी, लास्ट लेक्चर में देखा, लास्ट लेक्चर में देखा, लास्ट लेक्चर में देखा, सब कुछ लास्ट लेक्चर में नहीं देखा है, अभी यहाँ पे भी देखेंगे। ओके ओके गाइस, सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गाइस, सबसे पहले आपको क्या, आपको क्या करना है, डेटा लिख लेना है एंड ड्रॉ कर लेंगे आप वहां पे, यानी आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाएंगे। ओके, सो मैं क्या कर लेता, आई विल पुट हियर डेटा एंड ऊपर ही मैं ड्रॉ करता, ओके, सी हियर गाइस, दैट इज माय हाइड्रोग्राफ, ओके दैट इज माय हाइड्रोग्राफ, एंड यहाँ पे ऊपर ही मैंने हाइड्रोग्राफ ड्रॉ ड्रॉ कर रहा मैं, और नीचे ही मैं क्या लिख रहा, डेटा टाइम इन आवर्स, फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट, बेस फ्लो दैट इज m³/s, ये भी m³/s में रहेगा, इसके भी ऑर्डिनेट ही आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट, बाद में आर, आर लिखने की जरूरत नहीं है, आर आपको निकालना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा डायरेक्टली, यू एच ऑर्डिनेट, कैसे निकालोगे यूएच ऑर्डिनेट, यूएच ऑर्डिनेट आप निकालोगे इज इक्वल्स टू डी आर एच, ओ डी आर एच बाय आर, ओके ये आपके निकल जाएंगे, दिस इज योर टेबल गाइस। ओके सो सबसे पहले टाइम 0, 6, 12, 6 आवर इंटरवल्स बोला है, 12, 18, 24, 24, 30 and 36, खत्म। पहला क्या बोला है 10, देन क्या बोला है 22, उसके बाद क्या बोला है 34, उसके बाद क्या बोला है 28, बड़ा कौन है, ये बड़ा, देन कम कम होते आ रहा है 16, देन 12, देन अगेन 10, अरे 10 से चालू हो रहा, 10 से खत्म हो रहा, तो 10 क्या है आपका, बेस फ्लो है, इसीलिए 10 पे खत्म हो रहा हाइड्रोग्राफ, यानी 4 घंटे की रेन आपको कितना बारिश देके जा रही होगा। सो प्लीज सी हियर, अब यहां तक मैंने देख लिया, यहां तक आप लिख लो पहले, और आप इधर आओ डायरेक्टली हाइड्रोग्राफ में। सो मैं क्या कर लेता, मैं यहां पे भी 0, 6, 12,
एटीन, 24, 30, 36, खत्म। पहले 10 है, यहां तक 30 तक, यानी 34 फोर तक मैक्सिमम है, ये पीक है आपका यहाँ पे, ये इसमें ये क्या है, ये पीक है। ओके सो 10, 20, 30, 40। ओके 10, 20, 30, 40, 40 के ऊपर है क्या कुछ वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं। सो पहले 0 से 10 से चालू हो रहा, 10 से चालू हो रहा, 6 पे 22 पे जा रहा, 22 पे जा रहा ना, 22 वाला पॉइंट 6 पे। ओके देन 34 पे जा रहा, 34 वाला पॉइंट, पहले पॉइंट्स ले लेते। ओके बाद में 28 वाला पॉइंट, निकालेंगे कहीं से उसके लिए। ओके 28 वाला पॉइंट, बाद में 16 वाला पॉइंट, 16, बाद में 12 वाला पॉइंट, 12, 12 के बाद 10, 10 थ्रू फ्री हैंड, दिस इज योर फ्लड हाइड्रोग्राफ गाइस। दैट इज बेस फ्लो, टेन मीटर क्यूब, दैट इज क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहां पे कौन से कितने घंटे की बारिश गिरी? सिर्फ 4 घंटे की बारिश गिरी, 4 तासाजा पाउस एवढा जबरदस्त होता कि ड्यूरेशन ऑफ रेन, ओके दैट इज ड्यूरेशन ऑफ रेन, डी अवर्स हाइड्रोग्राफ, 4 तासाजा पाउस एवढा जबरदस्त होता कि 1.5 दिवसापर्यंत इफेक्ट दिसला, 1.5 दिवस 36 आवर्स पर्यंत। ओके 36 आवर्स नाही रे बाबा, 42 घंट्यापर्यंत दिसला। टोटल किती आहे? 0 पासून चालू होता का? 36 पर्यंतच दिसला, 36 घंटापर्यंतच दिसला, 0, 6, 12, 18, 24, 30 आणि 36, म्हणजे 24 प्लस 12 आ गया। ओके सो 1.5 दिन तक उसका इफेक्ट दिखा, 1 4 घंटे के बारिश, 1 4 घंटे के बारिश। अभी यहाँ पे क्या है गाइस, दीज आर दी अवर विच ऑर्डिनेट्स, अवर फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स। फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स को मुझे काय में कन्वर्ट करना है? मुझे डायरेक्ट रन ऑफ में करना है। सो डायरेक्ट रन ऑफ में मुझे जब इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्डिनेट चाहिए। तो 22 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, पहला 0, 22 माइनस 10 12, 36 माइनस, 34 माइनस 10 24, 28 माइनस 10 18, अब दिस माइनस दिस आप यहां पे लिख लो, एफ एम माइनस बी एफ, एफ एच माइनस बी एफ, 12, 24, 18, 6, 2 आणि 0, हे 6 इथे, 2 आणि इथे 0, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट। ओके दैट इज 0। नाउ अब क्या करेंगे गाइस, वी वॉन्ट
डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का एरिया होना मुझे, आई वॉन्ट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एरिया। ऑर्डिनेट जो भी अपने निकाले, दिस आर द ऑर्डिनेट्स, ये टोटल ऑर्डिनेट ये 22 है, ये क्या है 34 है, ये पीक है, यही पीक है अपना, ये क्या है 28 है, 28 माइनस 10 18, ये क्या है 16 है, 16 माइनस 10 6, ये क्या है 12 है, 12 माइनस 2 12 माइनस 10 2 एंड 10 है, तो 10 का 10 ही रहेगा। सो गाइस सी यू, सर हाँ बोलो। 4 आवर घेतलेला आहे रेनफॉल, एक क्वेश्चन वरून घेतला आहे का? हा क्वेश्चन मध्येच दिला ना, 4 ओव्हर रेनफॉल लिहिले नाही का पहिली लाईन? युनिट हायड्रोग्राफ नाही 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 नाही, द ऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लड हायड्रोग्राफ ड्यू टू 4 ओव्हर रेनफॉल, ड्यू टू 4 ओव्हर रेनफॉल, 4 घंट्याचा पाऊस लिहा तिथे, 4 घंट्याचा पाऊस। ओके, द ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हायड्रोग्राफ ड्यू टू 4 ओव्हर रेनफॉल, ड्यू टू 4 ओव्हर रेनफॉल हे लिहिलं नाही लिहिलं सर, पण हे 0 to 4 राहणार का 2 to 6 राहणार? इंटरवल 6 आवर्स लिहिलेलं आहे, इंटरवल 6 आवर्स दिलेले आहे, त्या कारण 6 आवर इंटरवल्स, त्याच्यानंतरची लाईन बघ, सुरुवातीचं राहणार ना सर, सिक्स आवर टाइम इंटरवल, 0 to 4 राहणार ना रेनफॉल? हा 0 to 4 राहणार ना, 0 to 4 म्हणजे तू म्हणताय की इथे चिपकायला पाहिजे होतं असं म्हणताय का? हा सर, ते डायग्राम आहे। हा ठीक आहे, काय हरकत नाही, चिपकू शकतो आपण, 4 घंट्यापर्यंत पाहिजे इथे, तुम्ही असं करू शकता का, दिस इज अवर 4 आवर्स करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही। झिरो पासन चालू होत आहे तो, असं काही नाही, झिरो पासन चालू होत आहे। अभी आपको क्या निकालना है, रन ऑफ निकालना है, रन ऑफ बाद में अपन यूएच निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे रन ऑफ? एरिया ऑफ डीआरएच, सीधी सीधी बात है कि नहीं है? या गलत है? सबमिशन होगी, और आप इससे भी जा सकते हैं, देखो मैं ये भी लिख के दे देता, 6 into 12 plus 24 plus 18 plus 6 plus 2, इससे भी निकल जाएगा। और अपन कैसे करते हैं, और 12 divided by 2 into 6 plus 12 plus 24 divided by 2 into 6 plus 24 divided by 18 divided by 2 into 6 plus 18 plus 6 divided by 2 into 6 plus 6 plus 2 divided by 2 into 6। इससे भी आप क्या निकाल सकते, 1 divided by 2 आप बाहर निकाल सकते, 1 divided by 2 बाहर और 6 बाहर, तो बचता क्या 12 plus 12 plus 24 plus 24 plus 18 plus 18 plus 6 plus 6 6 plus 6, और यहाँ पे 2 और लिखने का है, 2 by 2 into 6 2 by 2 into 6, सिक्स प्लस सिक्स इस तरह आता। सो आप ऐसी भी लिख सकते, ऐसी भी लिख सकते, तो ये इंटू 2 हो गया, सो दैट्स व्हाई 2 2 गेट कैंसल, तो 6 इंटू
अल्टीमेटली क्या आ जाता है, 12 + 24 + 18 + 6 + 2। यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा है, 2 + 2। ओके, अल्टीमेटली वही आता। व्हाट इज आंसर गाइस? आपको अगर वक्त पे ये याद नहीं आ रहा, गो थ्रू दिस। ये कैसे? ये पहला, देन दूसरा, एवरेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, उस तरह आप लेके भी जा सकते। आंसर गाइस, थ्री सेवेंटी टू 372। देखो, दैट इज इन आर्स, दैट इज इन तो आर्स को भी मीटर क्यूब पर सेकंड में करने के लिए 376 × 3600, जो मेरा आंसर है। यहाँ पे भी आपको ये आर्स को, यानी जो 6 है, तो वो 6 × 60 × 60 करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम है, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में, यानी 3600। तो ये भी मुझे सेकंड में ही होना। दैट्स व्हाई। बताओ, यहाँ पे यूनिट में खत्म तो पूरा खत्म, तो इसलिए ये आर्स का मैंने काय में किया, सेकंड्स में किया। आता संग देते हैं। 1.3392 × 10⁻⁶। 1.3392 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ओके, दैट इज 1/2 वॉल्यूम। एरिया ऑफ डी आर एच इज इक्वल टू 1/2 वॉल्यूम। ओके, 1/2 वॉल्यूम। सो 1/2 वॉल्यूम मिल गया, 1/2 डेप्थ निकालना है, डिवाइड बाय एरिया। ½1.3392 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय एरिया। एरिया कितने लेला है? 67। 67 × 10⁻⁶, 67 किलोमीटर स्क्वायर मध्ये दिला, तर त्याला मीटर स्क्वायर मध्ये करण्यासाठी 10⁻⁶ इंटू करावा लागतो। गेट कॅन्सल, 10⁻⁶ गेट कॅन्सल। हाउ मच? जीरो पॉइंट जीरो समथिंग आएगा, मीटर में आएंगे, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में बता। जीरो पॉइंट जीरो वन नाइन नाइन ₹1.99। 100 × 100 × सो 1.99 सेंटीमीटर। सो आप उसको 2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, यू कैन गो थ्रू 2 सेंटीमीटर ऑल्सो।
तो ये भी आर भी मेरा सेंटीमीटर में और ये भी मेरा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट कैंसिल, तो आपका क्या हो जाता, टी आर एच निकल जाता, तो यहाँ पे जीरो ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा 12/2 × 1 इट इज इक्वल्स टू 6, 24/2 × 1 इट इज इक्वल्स टू 12, दैट इज योर पीक। ओके देन पीक ऑफ यू आर एच 18/2 × 1 इज इक्वल्स टू 9, 6/2 × 1 इट इज इक्वल्स टू 3, 2/2 × 1 इट इज इक्वल्स टू 1 एंड 0। ओके गॉट इट, दिस इज योर यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसको भी आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, नो इशू। ओके जैसे ये डायरेक्ट ऑन ऑफ हाइड्रोग्राफ आपने प्लॉट किया है, उसी या इधर भी आप कचरा कर सकते हैं या फिर बाजू में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके नाउ नेक्स्ट, ये इतना बड़ा कैलकुलेशंस करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबमिशन करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सबमिशन कर दिया, सबमिशन कितना आ रहा, जो भी सबमिशन आ रहा, दैट सम इज नथिंग बट दिस, ये सब आपको मिल जाएंगे × 6 × 36, 36,000, डायरेक्टली आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया कि इस तरह भी आप कर सकते करके, शॉर्टकट आपको करना है डायरेक्टली सम दिस, सम वैल्यू आपकी ये वैल्यू आ जाएंगी, दिस इंटू जो भी इंटरवल है वो इंटरवल आप सेकंड में इंटू कर दो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, खत्म। ओके अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टीबी, मुझे निकालना है टी बी। वॉट इज टी बी गाइस, वॉट इज टी बी, बेस टाइम, बेस टाइम ना, यस हाँ। तो बेस टाइम कितना है अभी यूनिट हाइड्रोग्राफ का, 0 से लेके 0 तक। तो अगर सपोज सपोज अगर ये 0 वैल्यू आती थी, कौन सी 0 वैल्यू आती थी, ये वाली भी 0 वैल्यू आती थी ऊपर वाली, यानी 30 तक 0 वैल्यू आती थी, अभी 36 पे 0 है, 30 पे भी 0 वाली आती थी, तो 0 से लेके 0 तक मेरा टीबी रहेगा। अगर 24 तक 0 वैल्यू आती थी तो 0 से लेके 24 मेरा 0 रहेगा। तो अभी 0 to 36, 0 कहाँ पे है, 0 पे है और 36 पे है, सो मेरा टीबी कितना हो गया 36, टीबी कितना हो गया 36, दैट इज वेरी इजी। फिर से बता रहा, देखो क्या है कि 0 से लेके मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा, स्टार्ट फ्रॉम 0 to 36 हो रहा, स्टार्ट फ्रॉम 0 to 36, 0 से लेके 36 तक जा रहा। अब मैं इसको कैसे निकाल सकता, 6 है ना, 6, तो मैं इस तरह यूएच निकाल सकता, 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद यहाँ पे 0, दैट इज माई यू एच, दैट इज माई यू एच, ये इतना इतना यू एच है। तो यू एच कहां से स्टार्ट हो रहा, स्टार्ट फ्रॉम दिस इन इन टू दिस, सो दैट इज टीबी, टीबी इज वॉट 36, टीबी इज वॉट 36, गॉट इट, समझे क्या, सिर्फ इतना ही यू एच है, नहीं तो आप बोलेंगे बेस फ्लो उसके साथ में, नो नो बेस फ्लो इज देयर, यहाँ से यहाँ तक 36, 12, 9, 3, 1, ओके दैट इज यू एच, गॉट इट गाइस, समझा क्या, बताओ। टाइम बेस और सर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट वर्स डिपेंड रहना, ऑर्डिनेट वर्स डिपेंड रहना, यूनिट हाइड्रोग्राफ हाँ ना, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से ऑर्डिनेट पर डिपेंड रहना यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ वरून डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ पण काढू शकतो। तुला जर डी अवर्स डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ काढायचा असेल तर तू काय करशील की युनिट युनिट हाइड्रोग्राफचा आर किती राहते, 1, तुला कॅचमेंट एरिया दिलेला आहे, युनिट हाइड्रोग्राफचा आर किती राहतो, 1, तुला कॅचमेंट एरिया दिलेला आहे, रन ऑफ व्हॉल्यूम पण दिलेला आहे, तर तुला आर अवर्स डी हायड्रोग्राफ
मैं सॉरी डी अवर्स डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोड्रॉप काढायचा आहे, तर तू आर काढून घेशील आणि तो आर याला इंटू याला तू इंटू करून टाकशील तर तुला हे भेटून जाईल ना, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. उलट पण तू करू शकते याला, म्हणजेच तुला जर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफचे व्हॅल्यूज काढायचे आहे सपोज, आणि यूएच चे व्हॅल्यूज दिलेले आहे, तर तू यूएच वरून डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ पण काढू शकते, फक्त तुला आर काढावा लागेल. तर तो आर काढणे म्हणजेच काय करावं लागेल तुला, तुला एक रन ऑफ व्हॉल्यूम दिला राहील आणि तुला कॅचमेंट एरिया दिला राहील, त्याच्यामधून तू व्हॉल्यूम काढू शकते. ओके, त्याच्यावरून तू काय काढू शकते, हे काढू शकते. किंवा तुला कॅचमेंट एरिया पण नाही दिलेला आहे सपोज, कॅचमेंट एरिया पण नाही दिलेला आहे, कॅचमेंट एरिया पण तू याच्यावर ना काढू शकते, याच्यावरून तू कॅचमेंट एरिया पण काढू शकते. याचा रन ऑफ डेप्थ किती आहे, 1 आहे. रन ऑफ डेप्थ किती आहे, 1 आहे. म्हणजे युनिट यूएच साठी आर ची व्हॅल्यू काय आहे, 1 सेंटीमीटर आहे. तर ती 1 सेंटीमीटर काय राहील, व्हॉल्यूम ऑफ रन ऑफ टू द एरिया ऑफ कॅचमेंट, याने कॅचमेंट एरिया सीई बोलू शकतो डायरेक्टली, कॅचमेंट एरिया. तर याच्यापैकी तुला एकच दिला राहील काहीतरी, काहीतरी एकच दिला राहील, एक तर कॅचमेंट एरिया दिला राहील किंवा रन ऑफ व्हॉल्यूम दिला राहील. तर दोन पैकी एक तू याच्यामधनं काढू शकते आणि डायरेक्टली तू रन ऑफ काढू शकतो. मग म्हणजे जर तुला सपोज बघ व्हॉल्यूम तुला दिलेला आहे, रन ऑफ व्हॉल्यूम दिलेला आहे, तर रन ऑफ व्हॉल्यूम तुला नाही देणार, कारण की रन ऑफ व्हॉल्यूम म्हणजे एरिया ऑफ युनिट हायड्रोग्राफ तू करून टाकशील तर रन ऑफ व्हॉल्यूम तुला भेटून देईल, कॅचमेंट एरिया तुला दिला राहील, तर तो कॅचमेंट एरिया तू करून म्हणजे रन ऑफ व्हॉल्यूम आणि आर दिलेला आहे, तर कॅचमेंट एरिया तुला काढावा लागेल. रन ऑफ व्हॉल्यूम फॉर यूएच साठी होऊन जाईल मग सबमिशन इनटू इंटरवल. लाइक अ एक्झाम्पल, वन टेक एक्झाम्पल, एक्झाम्पल आपण एक करून बघू याच एक्झाम्पल मध्ये, की जसं आता रन ऑफ व्हॉल्यूम याचं सबमिशन करा किती निघते, सहा प्लस बारा अठरा, अठरा प्लस नऊ सत्तावीस, सत्तावीस प्लस तीन तीस, तीस प्लस एक एकतीस, एकतीस. ओके, दॅट इज सबमिशन. मीटर क्यूब पर सेकंड. ओके, सो 31 इंटू 3600 इंटू 6, ओके सेकंड्स पर, डिवाइड बाय कैचमेंट एरिया इंटू 1. सो 1 डिवाइड हो जाएगा, कैचमेंट एरिया निकल जाएगा. हाउ मच कैचमेंट एरिया गाइस, हाउ मच कैचमेंट एरिया, 31 इंटू 3600 इंटू 7, 1 सेंटीमीटर है ना, तो मुझे मीटर में करना पड़ेगा. आप 0.01, 0.01 डिवाइड करूंगा मैं. हाउ मच कैचमेंट एरिया, सपोज मुझे कैचमेंट एरिया देखे नहीं है अभी, ये सब कुछ देखे है, ये ऑर्डिनेट्स देखे है और मुझे कैचमेंट एरिया निकालना है. तो अभी लास्ट क्वेश्चन में मुझे 67 देखे था, अभी ये भी 67 निकल रहा है, बताओ. हाँ सर, 6.67 इंटू 10 टू पावर 7. सो 67 इंटू 10 टू द पावर 6 म्हणू शकतो ना, 6.67 आहे ना, हो सर. हा तर त्याला 67 म्हणू शकतो. ओके, 67 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर स्क्वेअर. वाय वी टेक मीटर, मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब पर सेकंड, ये सेकंड कैंसल, और ये कैंसिल, तो स्क्वायर, दैट्स मीटर स्क्वायर. तो इस तरह भी आप निकाल सकते हो, ये उल्टा प्रोसेस हो गया. अगर आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ देखे है तो आप डायरेक्टली ये निकाल सकते, बेस फ्लो भी देखे है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, यहां से आपने ये निकाल लिया, इससे फिर आपने क्या निकाला है, बेस फ्लो ऐड करके आपने फ्लड हाइड्रोग्राफ भी निकाल लिया. उल्टा भी जा सकते हैं, ठीक है, उल्टा भी जा सकता है. ओके, दैट इज अ एग्जांपल. नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 32। फोर नंबर यूएन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए बेसिन कैन बी अप्रोक्सीमेटली ट्राइंगल विथ ए बेस पीरियड। बेस पीरियड देखिए आपको 48 आवर्स, पी कोऑर्डिनेट देखिए 300। व्हाट इज द एरिया ऑफ कैचमेंट, निकालो बताओ। अब ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। है क्या जरूरत मुझे बताने की? दीप्ती सांगायची गरज आहे का? चल 2 मिनिट हाँ करा करा, आरामात करा, 2 मिनिट नाही 5 मिनिट घ्या।25.92 × 10⁶। करेक्ट। ट्वेंटी 5.92 नहीं आला पाहिजे होतं, 5.92 आला पाहिजे होतं। 25.92 किलोमीटर स्क्वेअर डायरेक्टली। कसं बघा, ते तुम्ही 0.01 नाही केलेला आहे, त्या कारण तो प्रॉब्लेम झालेला आहे। बघा इकडे क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 32 काय म्हटलेलं आहे? क्यू टाइम इन आर 48 आवर्स, टाइम बेस 48 आवर्स है, पीक डिस्चार्ज है अप्रोक्सीमेटली है, पीक डिस्चार्ज है 300 m³/s। सो एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका 48 आवर्स में, तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सेकंड्स में कर लूंगा, तो ये काय में हो गया सेकंड्स, 300 m³/s। ओके दैट इज एरिया। ये क्या हो गया? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बेसिन। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ बेसिन। मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। आई वॉन्ट एरिया, तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। ओके वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ टू द क्या करना पड़ेगा मुझे, यानी वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, ये वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ हो गया मेरा। एरिया ऑफ यूनिट, एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये क्या है? यूएच है। उसका रन ऑफ कितना रहता? रन ऑफ रहता 0.01 मीटर में। सो रन ऑफ के लिए क्या करना पड़ेगा? रन ऑफ के लिए क्या करना पड़ेगा? आर इज इक्वल टू
आर इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अच्छा डिवाइड बाय कैचमेंट एरिया। सो कैचमेंट एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, कैचमेंट एरिया इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऊपर जो भी वॉल्यूम निकलेगा 24, 24 इंटू 3600 इंटू 300 डिवाइड बाय 0.01 असा करायचं। तुम्ही 0.01 नाही दिलेला आहे डिवाइड, त्या कारण तुझं पॉइंट मध्ये आन्सर आलेला है ना। 0.01 ला तुम्ही परत असं पण लिहू शकता म्हणजे ते वरती चाललं जातं। 1/100 जर लिहिलं तर 2 0 वरती चाललं जातं, तर आन्सर येते 2592 किलोमीटर स्क्वेअर। बरोबर आहे दीप्ती, 0.01 नाही घेतलं तर तू। हो सर। 0.01 का बरं घ्यावं लागेल, कारण की मला मीटर मध्ये घ्यायचं। हे कशामध्ये आहे, 1 R = 1 cm मध्ये मला टाकताना कशामध्ये टाकायचं आहे, मीटर मध्ये टाकायचं आहे। त्या कारण असा लिहा किंवा असा लिहा सारखाच, ओके सारखा, सो आप कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 ही सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 आणि अशाच टाईपचे क्वेश्चन गेट मध्ये विचारते, हा एकदम पंचट राहते, आपण मार्क देऊन येतो निगेटिव्ह। बताओ गाइस, या पे भी सेम ट्रायंगल ऑर्डिनेट काढायचा आहे। किती हेक्टर दिलेला आहे, 500 हेक्टर, आणि कशामध्ये पाहिजे आहे, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर आर मध्ये चाहिए। ये सबसे पहले देखना पड़ता है। तो गलती होती है, आ जाओ देखते बोर्ड पे निकल गया क्या आपका आंसर। हेक्टर्स मध्ये दिलं होतं, खरं
करेक्ट आंसर है राहुल, 5,000 मीटर की पर आवर, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, 0.01 इंटू कैचमेंट एरिया 5,000, सॉरी 500 इंटू 10^4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20 20। आर्स मध्येच ठेवायचा इथे का बरं, कारण की मला आर्स मध्येच पाहिजे ऑर्डिनेट ऑफ यू एच। यहाँ पे मुझे सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि आर्स में ही है। ओके सो ये डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 0.01 इंटू 500 टू 10^4 इंटू 2 डिवाइड बाय 20। बिकॉज ऑफ 20 आवर्स में है, सो दैट इज इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैसे, ये मीटर स्क्वायर में हो गया और ये मीटर में, तो यानी मीटर क्यूब, सो मीटर क्यूब पर आर। ओके 5,000। ओके सॉरी दीप्ति ने आंसर दे लो, 5,000। नाइस नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस सॉल्व करा बरा। नाइन पॉइंट जीरो नाइन। करेक्ट आंसर है, सही। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 16, हे सगळे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करून बघायचे आहे। ओके परत सांगतो, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 अँड क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो। ओके 10 11 हे सगळे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करून बघायचे। ओके सो आपण बघू नेक्स्ट लेक्चरला। दीप्ती तुझा आन्सर आला का नाही? ओके बघून घेऊ काय म्हटलेलं आहे बघ। फॉर ए 2 आवर्स यू एच इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल बेस, ट्रायंगल विथ बेस ऑफ 40 आवर्स and a peak of 10 meter cube per second, peak of 10 meter cube per second.
फॉर द सेम कैचमेंट, सेम कैचमेंट है ओके, फॉर द सेम कैचमेंट बघा सगळ्यात पहिली गोष्ट काय म्हटलेलं आहे, सेम कॅचमेंट एरिया, कॅचमेंट एरिया सेम आहे आणि इथे काय म्हटलेलं आहे 2 आवर्स युनिट हायड्रोग्राफ आहे. हा किती आहे? 6 आवर्स युनिट हायड्रोग्राफ, 6 आवर युनिट हायड्रोग्राफ. डिराइव विच द फॉर्म, डिराइव विच इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल विथ ए बेस ऑफ 44 आवर्स, देन व्हाट विल द पीक आवर्स ऑफ 6 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ. बहुत इजी है, आ जाओ देखते अपन बोर्ड पे क्या है, देख लेते हैं. यूनिट हाइड्रोग्राफ के आप प्रीवियस गेट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो इस तरह के, ओके इस तरह के कोऑर्डिनेट भी ये वाले, ओके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज वाले, और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लो ठीक है, प्रीवियस गेट क्वेश्चंस टोटली, क्योंकि प्रीवियस गेट क्वेश्चंस भी आपको इसमें बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा मिल जाएंगे ओके. एंड ईएसी क्वेश्चन आल्सो, ईएसी क्वेश्चंस तो बहुत रहते रहा हुआ है इसमें ओके. तो क्या बोला है, 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, 60 40 आवर्स, और उसका पिक पॉइंट जो है वो है 10. तो सबसे पहला निकाल लेते, 2 आवर्स वाला निकाल लेते. टू आवर्स इसका पिक पॉइंट है 10, 10 m³/s 40 घंटे के लिए. अब सेम कैचमेंट एरिया के लिए 6 आवर्स वाला भी देखें, इसका पिक जो है ओ यू एच निकालना है आपको, पिक निकालना है. सो ये है 44 आवर्स के लिए, और ये जो देखे, ये देखे 6 आवर्स, 6 आवर्स यू एच ओके, 2 आवर्स यू एच, 6 आवर यू एच ओके. सो गाइज कैचमेंट एरिया सेम, तो यहां से कैचमेंट एरिया निकाल लो, यहां से क्या निकल जाता, कैचमेंट एरिया निकल जाता. एरिया कैसे निकलेगा, वही आर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइड बाय कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया इज इक्वल्स टू देन वॉल्यूम डिवाइड बाय आर, वॉल्यूम इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस 3600 इनटू हाइट 10. क्यू 3600 ये सेकंड्स, ये मीटर क्यूब पर सेकंड, गेट कैंसल डिवाइड बाय आर, आर क्या रहेगा 1/100 भी लिख सकते हैं, 100 ऊपर चला जाता है इजीली निकल जाता. राहुल सांग कितनी निकला आंसर, कंपेयर केले सर मी कैचमेंट एरिया ओके नो इश्यूज, कंपेयर पण केलं तरी चालते, काहीही फरक पडत नाही, कारण की तुम्हाला कैचमेंट एरियाशी काही घेणं नाही, कंपेयर पण केलं तरी चालते ठीक आहे चलेगा. तो आप क्या कर सकते, 20 100 ऊपर चल जाता, 3600 इंटू 10 × 20 ऐसी करके आप कंपेयर कर सकते. तो ये सी ए है, मत निकालो आंसर, वो भी सही है. तो सी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी ए इट इज इक्वल्स टू, सी ए आपका ये है वॉल्यूम डिवाइड बाय आर, आर तो सेम है बाबा, सी ए इज इक्वल टू 3600 इंटू 10 × 20. तो ये मेरा सीधा सीधा मैं इसको क्या बोल सकता, 200 बोल सकता, 3600 इंटू 200 इज इक्वल टू वॉल्यूम हाफ ऑफ बेस इंटू 3600, दैट 3600 दैट 3600 गेट कैंसल इंटू, और इधर का दिख रहा है क्या आपको, ओ यू एच डिवाइड बाय 1/100, वो ऊपर चल जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा. तो ये मैं यहाँ पे भी 2 0 काट सकता, सो 2 × तो यू एच कितना निकलता अभी, ओ यू एच गाइस 9.5
जीरो नहीं, 9.0 नहीं। 9.0 मीटर क्यूब पर सेकंड। कर्ला का दीप्ति हो सर। ए से था कब? असं पण कंपेयर करू शकतो आपण, कंपॅरिझन मध्ये हे पण ठेवू शकता तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाही, कंपेयर मध्ये थोडं लवकर पण निघते। सर क्वेश्चन नंबर तुम्हाला कोणते कोणते सॉल्व करायचे आता याच्यानंतर सांगतोय, परत सांगतोय एकदा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29, ओके क्वेश्चन नंबर 10 अँड 11, हे सगळे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करायचे आहे। ओके सो आपण बघू, हे पण क्वेश्चन्स तुम्हाला याच्यामध्ये काही पण नाही।